बजट तो आपने देखा ही, समझाई, विश्लेषण भी किया हमारे साथ, टैक्स रिजिम भी आपकी वित्त मंत्री जी ने आपको ऑप्शन दे रखा है जी, नई और पुरानी दोनों में से, तो आप कौन सी लेंगे सर? ये भी नेशनल टीवी पे सर देखो हमारे जितने हमारे बंसल जी की लाइफ खुली किताब है, घर पे किचन में क्या क्या करते हैं सबको पता है। वैसे नोटा भी नहीं ले सकते आपने सुनी लिया होगा। तो इसलिए हमने ये आपके लिए विशेष सुविधा, हमने कहा कि बगैर साहब को ज्यादा तकलीफ ना हो, आप खुद ही बैठे बिठाए आराम से बिना सीए की मदद के अपना टैक्स कैलकुलेट कर लें और ये डिसाइड कर लें कि भाई नई रिजिम में जाना है कि पुरानी में, राइट। तो जो इसके लिए सरकार ने एक सुविधा दी है, उन्होंने टैक्स कैलकुलेटर लाइव कर दिया अपनी वेबसाइट पे, और उन्होंने किया तो हमने कहा हम भी कर देते हैं। तो हम हमारे दर्शकों के लिए बता रहे कि आप अपनी डिटेल्स डालकर किस तरह से ये तय कर सकते हैं कि आपको पुरानी टैक्स रिजिम में रहना है या नई टैक्स रिजिम में रहना है। तो आइए ये पूरी की पूरी डिटेल्स जो आपके बड़े काम की है नूपुर लेकर आइए, सारी डिटेल्स कि किस तरह से आपको नई और पुरानी टैक्स रिजिम को कैलकुलेट करना है, नूपुर बताएं जरा। बिल्कुल सर, सीए का काम कम हो गया है लेकिन मुझे तो आज काम मिल गया करने के लिए। बढ़िया है ना, एकदम सबके लिए फायदे की बात है। जरा समझा दीजिए क्या क्या डिटेल्स कब कहाँ कैसे डालनी है। बिल्कुल सर, लाइव है, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे लिंक है, सीधा आपको कैलकुलेटर की तरफ लेके जाता है। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है जहाँ पे हम रिटर्न भरते हैं, वहीं पे टैक्स कैलकुलेटर का ऑप्शन आ रहा है। मैं क्विकली आपको रिज्यूम बता देती हूँ, जो ऐसा एक फॉर्म दिखेगा जैसा आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सिंपल है फॉर्म है, आपको साल डालना है, डिफॉल्ट अभी 24-25 आ रहा है, असेसमेंट या जो फाइनेंशियल या 23-24 होगा, उसके बाद आपको अपना अपनी जो इनकम है वो डालनी है और आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होती है। अब ये सवाल क्यों इतना डिफरेंस आ रहा है कि ओल्ड नए में क्या है, तो यहाँ पे टैक्स स्लैब में जो चेंजेस हुए थे बजट में उसके बाद ये कैलकुलेटर को लाइव किया गया। क्विकली मैं आपको रिकैप दूं अगर स्लैब्स का, तो नई में अगर आप अप्लाई करेंगे तो 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको रिबेट मिलता है, तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वहां पर भी स्लैब है। 0 से 3 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो निल है, 3 से 6 में अगर आप जाते हैं तो 5% है, 6 से 9 में जाएंगे तो 10% से टैक्स लगता है, 9 से 12 में जाएंगे तो 15% तक का टैक्स है, और 12 से 15 में 20% का टैक्स है, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो वहां पे 30% का टैक्स है नई रिज्यूम में, लेकिन यहाँ पे 7 लाख तक रिबेट आपको मिलता है, तो 7 लाख तक की सैलरी में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। पुरानी रिज्यूम की बात करें तो 2.5 लाख तक की निल है, 2.5 से 5 लाख में 5% है, लेकिन यहाँ पर भी टैक्स रिबेट है, और 5 से 10 लाख की बात करेंगे तो 20% टैक्स आता है, और 10 लाख से अबाव देखेंगे तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ता है। डिफरेंस दोनों का एक बड़ा ये है कि नए रिज्यूम में आप कोई भी डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, इसलिए टैक्स कैलकुलेटर जो है वो आपकी मदद कर सकता है और काफी हद तक मदद कर सकता है। मैंने 3 सिनेरियो कैलकुलेट किए, बहुत इजी था। फर्स्ट सिनेरियो में मैंने दोनों ही जब वो जो लिंक ओपन करी, मैंने अपना असेसमेंट ईयर डाला, अपनी ग्रॉस सैलरी डाली फर्स्ट कॉलम में जो टैक्स जिस पे लगने वाला है, और वहां पे मैंने 7.5 का फॉर एग्जांपल एक बेस लेके कैलकुलेट किया, 7.5 लाख रुपए की सैलरी अगर मेरी ओल्ड में भी जाती है और नई में भी जाती है, और कोई एग्जेम्पशन मैं नहीं लेती हूँ, कोई डिडक्शन मैं नहीं लेती हूँ, तो सीधा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको ओल्ड रिज्यूम में जितना टैक्स आता है 54,000 रुपीज के अराउंड, वो नई में 0 दिखाएगा, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि नई में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है और आपके लिए बेनिफिट होता है 7.5 लाख की अगर आपकी इनकम है तो। अब मैंने अपनी सैलरी को बढ़ाया, 10 लाख रुपए सैलरी करी और अज्यूम किया कि मैंने 1.5 लाख रुपए का अपना ATC में इन्वेस्टमेंट किया और HRA क्लेम कर लिया 1 लाख रुपए तक का, तो मैं एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गई ओल्ड और नए में दोनों 10 लाख तक लगभग बराबर हो जाता है। हाँ, दोनों में कोई टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था, तो 10 लाख का एक बेसिक एग्जेम्पशन और डिडक्शन लेते हैं तो, और 15 लाख का जब मैंने सिनेरियो कैलकुलेट किया तो भी मुझे नए में बेनिफिट आ रहा था। अच्छा, क्योंकि 1.5 लाख का मैंने एग्जेम्पशन लिया ATC का और 1.5 लाख रुपए मैंने HRA कंसिडर किया तो भी मेरा टैक्स नई रिज्यूम में कम आ रहा है। इसमें सिर्फ एक ही है कि अगर आपका हाउस इंटरेस्ट है तो आपको थोड़ा ओल्ड में फायदा होगा, अदरवाइज आपको नए में ही फायदा हो रहा है।
मेरे को तो ऐसा लग रहा है आपका फायदा सैलरी कम लगने में आपको दिख रहा है आपको दिख रही 10 लाख से कम सैलरी तो टैक्स कम है, जितना कम सैलरी उतना कम उतना है ना टैक्स नहीं, लेकिन आप बेसिकली जितना ज्यादा आप सैलरी में जा रहे हो उतना, जितना ज्यादा आप इनकम में जा रहे हो उतना नई रिजीम ज्यादा फायदेमंद है, ये कहना ठीक है? बिल्कुल, अगर आपके ये जो एग्जेम्पशन होते हैं, अगर आपके ऊपर कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप बेसिक डिडक्शन लेते हो 1.5 लाख रुपए का या HRA लेते हो, तो आपको नए में फायदा होता है। तो बेसिकली बात यह है कि आप जाइए incometax.gov.in, इस वेबसाइट पर जाइए। उस वेबसाइट पे कहाँ ये कैलकुलेटर कहाँ ढूंढना है? फ्रंट पे आ रहे हैं, फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया, सही जगह लगा है। तो वहाँ जाओ, अपनी डिटेल्स खुद भर लो, आपको तो पता ही होगा, नहीं पता तो फिर बड़ी बात है कि भाई आप कितना कितनी कमाई हो रही है, कितनी सैलरी या जो भी आपकी बिजनेस इनकम है, सामने क्या क्या आपको एग्जम्पशन डिडक्शन है वो आप डाल दो, आपके सामने नई और दोनों में एक साथ आ जाएगा, दोनों में एक साथ पैरेलल आ रहा है, आ रहा है कि फिर आप तय कर लो किसमें डालना है। अच्छा, उसमें खाली एक ही इश्यू है कि हम सैलरी वाले तो हर साल बदल सकते हैं, सैलरी वाले हर साल, जो नॉन सैलरीड लोग हैं उन्होंने एक बार नई या पुरानी ले ली, तो मतलब एक बार नई ले ली तो फिर पुरानी में वापस नहीं जा सकते, पुरानी में तो चल रहा है, चल ही रहा है, लेकिन नई में। सो बेसिकली ये मानना, ये समझना ठीक है कि जो 20-25 लाख रुपए या इससे ज्यादा सालाना कमाई कर रहे हैं उनके लिए नई टैक्स रिजिम बेटर है, ये समझना ठीक है, या पुरानी बेहतर रहेगी? ज्यादा कमाई वालों के लिए कौन सा बेहतर? ज्यादा कमाई वालों पे मैंने कोई एग्जेम्पशन नहीं लिए, मतलब अगर उसका कोई इंटरेस्ट लोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी मुझे तो नए वाले में ही बेनिफिट लग, कैलकुलेट करके आया कैलकुलेटर पे। ओके, चलिए बढ़िया। तो बगर साहब कुछ मदद मिली आपको? नहीं, वो वैसे ही वो जो 42% वालों की है उनका 39 ले आए हैं, तो वो कोई है नहीं, बस कुछ आने जाने कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं मैं जाना है कहीं, नहीं मैं जाना है, चॉइस बचेगी नहीं ओवर टाइम, जितनी ज्यादा कमाई उतनों के लिए शायद न्यू टैक्स रिजीम बेहतर होगी। फिर भी एक आपके लिए सुविधा है, वो सुविधा का इस्तेमाल जरूर करें, आज ही जाए करके देखिए क्या है, और देखिए अगर सैलरी हाइक मिले ना मिले, कैलकुलेटर में तो ले ही सकते हैं दिल के बहलाने के लिए। हाँ। ये ख्याल अच्छा है, हम भी कौन सी दिनपुर की कम कर पा रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि तुम्हारी कम कर लीजिए, हम भी कहाँ कम कर पा रहे हैं सर, वो है वही रहने वाली है, फिर भी हम कह रहे हैं कि जितनी कम स्लेब में जाएंगे नूपुर के लिए उतना टैक्स कम लगेगा, जाएंगे तो नए में बेनिफिट। आई थिंक 7 लाख का कैप रख दीजिए बस, जितना बाकी उसके ऊपर है। देखे अच्छा हुआ बग्गा साहब जैसे बॉस नहीं है, देश तो कम कर ही दी, हम तो खाली के कारण, हम तो खाली प्रपोज ही कर रहे थे कि कम करे, बग्गा साहब ने तो कर ही दी।